नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त वानु वर्गा और आप देख रहे हैं जीके विद फार्म चैनल। साथियों, 5 जुलाई 2024 को एक लेटेस्ट पत्र जारी हुआ है युक्तिकरण की काउंसलिंग से रिलेटेड। अब सभी स्कूलों की काउंसलिंग होगी और शिक्षक विहीन शालाओं में शिक्षक भेजे जाएंगे काउंसलिंग के जरिए। चलिए देखते हैं क्या है पत्र। जैसे कि पत्र में दिया गया है समस्त संकुल प्राचार, वहीं विषय में दिया गया है युक्तिकरण युक्त व्यवस्था अंतर्गत काउंसलिंग के संबंध में। आगे देखते हैं उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भ पत्र के अनुसार कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में विकासखंड दमोह अंतर्गत समस्त प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्तता के कारण कमी होने से शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, अतः रिक्त पद वाली संख्याओं में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए युक्तिकरण युक्त प्रक्रिया के माध्यम से अस्थायी रूप से शैक्षणिक व्यवस्था किया जाना नियत है। वहीं उपरोक्त अनुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने संकुल अंतर्गत पोर्टल पर दक्षित अतिशेष लोक सेवकों को 9/7/2024 दोपहर 12 बजे स्थान शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह के सभा कक्ष में आयोजित काउंसलिंग में उपस्थित कराने हेतु सूचित करें। कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए। वहीं देखते हैं आगे, सुनिश्चित करें कि अतिशेष शिक्षक लोक सेवक को उक्त आयोजित काउंसलिंग में उपस्थिति की सूचना प्रदाय की जाता था, नहीं उक्त या नहीं है उक्त आयोजित काउंसलिंग में कोई भी लोक सेवक अनुपस्थित रहता है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व रहेगा संकुल प्राचार्य की ओर। तो साथियों, सभी को सूचना भी देना है और उस काउंसलिंग में जो सरप्लस टीचर हैं उन्हें काउंसलिंग में सम्मिलित होना है। यहाँ पर हमने पहले भी बताया कि जो युक्तिकरण यानी सरप्लस टीचरों को खाली संस्थाओं में भेजा जाएगा, हालांकि इस पर भी आज हमने वीडियो क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं, खाली जगह भी देख सकते हैं पोर्टल पर, इस पर भी हम एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। दमोह जिले का जैसे कि यह आदेश जारी हुआ है, शीघ्र ही सभी जिलों में, क्योंकि कल की बीसी में यह निर्देश दिए गए हैं, तो इसी के तहत अब सभी जगह यह प्रोसेस से प्रारंभ होना है। आप देख सकते हैं पोर्टल पर कितनी जगह खाली हैं और जैसे कि 9 तारीख को तो यहाँ दमोह में हो रही है और अन्य जिलों में भी यह प्रोसेस प्रारंभ होगी। तो जो शिक्षक यदि काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं होते हैं तो उन्हें फिर प्रशासनिक रूप से संस्थाओं पर भेजा जाएगा जो खाली जगह है वहाँ पर, तो काउंसलिंग में उनसे च्वाइस फिलिंग करवाई जाएगी। तो साथियों, सरप्लस टीचर से संबंधित यह एक बड़ी अपडेट है। इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।